हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जहां देश भर में होली का पावन पर्व मनाया जा रहा था, तो वहीं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर गांव में खून की होली खेली जा रही थी। घटना उस समय की है जब दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो रहा था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें दो सगे भाइयों को गोली जा लगी। गोली लगने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि घायल व्यक्ति को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची सूरजपुर थाने की पुलिस पूरी घटना की जानकारी में जुट गई है। कस्बा सूरजपुर में काफी लंबे समय से प्रॉपर्टी और प्लॉटिंग को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद इतना बड़ा कि मामला हाईकोर्ट तक चला गया। कॉलोनी का रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी अक्सर होती रहती थी, लेकिन आज जैसे ही दोनों पक्ष आमने सामने आए, मामूली कहासुनी के बाद अचानक से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक पक्ष के दो सगे भाइयों को गोली लगी और उसमें एक अनिल जो कि बड़ा भाई है उसकी मौके पर मौत हो गई और घायल सुनील को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस को जानकारी मिली कि 32 बीघा कॉलोनी में प्रॉपर्टी के झगड़े को लेकर गोली चली है, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। गोली मारने वाले युवक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे। हत्या करने के बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी ली, जबकि मृतक अनिल कुमार के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसका सुनील जो है सभी लोग थे, उसके बाद भगते 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 उनमें से गोली चला रहा उसके सीने में, धड़ाधड़। मैं उसे पकड़ कर ऐसा कर रहा हूँ, बेटा बैठ जा, तेरे गोली चल रही है, गोली लग जाएगी। फिर कितने लोग थे ये जो गोली चलाने वाले? एक चला रहा था। अच्छा अच्छा, क्या फायरिंग हुई? कम से कम कितनी फायरिंग तो ऐसे ही गई हवा में, ना सीधी मारी ना लगी, तीन गोली उसके लगी। सर कोई रंजिश थी आपसे? हाँ, रंजिश तो हमारी चली रही है। वो जो जमीन है उसको रास्ता खोल रहा है, इसीलिए टारगेट भैया को, मेरे को बनाया, मेरे भतीजे को बनाया। रास्ता किसने खोला था? वो जबरदस्ती हमारे वहाँ को रास्ता खोल रहे हैं हमारी कॉलोनी में। कौन? लाला पन्नी, पवन नाम है, पिन्नी कहते हैं। लाला पन्नी रेवती का जवाई है अनुज, और उसके साथ में दो लड़के और थे। सर कितने लोगों को गोली लगी है? एक को, दूसरे चक्कू मारे हैं। उनकी स्थिति कैसी है? वो तो अभी पता ही ना हमें क्या है, बचे हैं ना बचे, आईसीयू में ऑपरेशन की। वो तो वही खत्म हो गया बड़ा वाला। ये सूरजपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 32 बीघा कॉलोनी में कुछ मारपीट हो रही है, जिसमें मौके पर पुलिस पहुंची तो ज्ञात हुआ कि पवन जिंदल और पन्नी लाला जो वहां पे प्रॉपर्टी का काम करता है, और जिसमें एक विवाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है, स्टे प्राप्त हुआ, जिसमें रास्ते को लेकर के पहले से ही मनमुटाव था। और आज जब पन्नी लाला जो है वो वहां पे जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी एक मकान के ऊपर चढ़ गई सीढ़ियों के ऊपर, जिसमें लोगों ने वहां पे जो है वो रोष व्यक्त किया और आपस में इनकी कहासुनी हुई। उसी कहासुनी में सत्यपाल और उनके दो पुत्र अनिल और सुनील, इनसे झगड़ा हुआ। झगड़े में जो है वो पन्नी लाला की तरफ से और उनके द्वारा मारपीट की गई और फायर हुआ, जिसमें अनिल को जो है वो गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई, और सुनील को जो है वो चोट लगी है जो खतरे से बाहर है, जो डॉक्टर से हम लोगों की बात हुई है। मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब हत्यारोपियों की तलाश में जुट गई है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, ग्रेटर नोएडा। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।